जय मिथिला, हम पूजा प्रभा झा अपने सबके मिथिला किचन में स्वागत करै छी। आई मिथिला किचन में बनाबा जा रहल छी अपना सब माटि के बर्तन में मांस यानी कि हांडी मटन जे कि बटलोही में बनेबे, माटि के बटलोही में बनेबे। और माटि के बटलोही में केना बनायल जाय छै से अहाँ सबके देखाबा जा रहल छी। ई स्वाद में कनी अलग है आन मांस, लेकिन बहुत स्वादगर लगै छै। तो ई मांस केना बनायल जाय छै से अहाँ सबके हम बता रहल छी। ओहि के लेल माटि के बर्तन जे लेलहुँ हँ तकरा पहिले पानि दऽ कऽ खूब आँच पर एकरा पकेलिए। ई जे कीन कऽ आनै छी जखन माटि के बर्तन अपना सब कुम्हार एहिठाम सँ, ओ माटि के बर्तन में पानि दऽ देलिए, ओकरा खूब खौलेलिए। एकरा 10-15 मिनट हम खूब बढ़िआँ से एकरा पकेलिए, जेकि एकर जते माटि के गन्ध हुए से निकलि जाए। तऽ एकर बाद जे छै अपना सबके मांस के तैयारी करबाक छै। मांस के लेल हम अतः 3 पाव यानी कि 750 ग्राम हम मांस लेलहुँ हैं, जे एहिमे हड्डी के मात्रा बहुत कम अछि, बेसी हड्डी एहिमे नहि है, खाली मांस के टुकड़ा टा मांसे मांस अछि। तऽ ई मांस के हम एखन अनलहुँ हैं, जे कोरोना के टाइम छै तऽ एखन की करै छियै कि आनि कऽ गरम पानि सँ हम एकरा धोइ छियै। तऽ गरम पानि सँ हम 2 पानि सँ एकरा धो देबै, और पहिलुका पानि फेंक कऽ दोसर पानि जे छै से हम एकरा 5 मिनट छोड़ि देबै। ओहिसँ जे आइ काल्हि वायरस सब छै, डर छै खाइमे, तऽ ओ सबके लेल फायदेमंद छै। अतः जे छै से हम किछु मसाला लेलहुँ हैं, हम गोटा मसाला जेना धनी के गोटा लेलहुँ हैं, जीर, गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, लौंग, मरीच, तेजपत्ता आर 4 लाल मिर्चाई, एकरा हम पीस लेबै पहिले। अतः हम प्याज लेलहुँ हैं 5-6, 3 पाव जेना कि 750 ग्राम मांस लेने छी तऽ ओहि हिसाबसँ हम आधा किलो लगभग प्याज लेलहुँ हैं, ओहिसँ कनि कम लेने छी, 400 ग्राम प्याज लेने छी, 5 बड़का बड़का प्याज लेने। अतः लहसुन, आदि आ हरियर मिर्चाइके थकुचि लेलिए हम, लहसुनके छिलका छै सेहो नहि छिलने छी, नहि छी, ई ओहिना अछि। आओर ओ मसाला जे हम लेने छलहुँ तकरा हम कुटि लेलहुँ हैं सब ओहिना बिना भुजले। अतः लाल मिर्चाइ आओर हरदि लेलहुँ हैं, आ कनि प्याज अछि जे भुजल प्याज, तरल प्याज, लाल कऽ कऽ तरल प्याज लेने छी, 1 प्याज ओहन छै। और ई लहसुन बड़ निक लागै छै, सबके बुझले हैत कि मांस में लहसुन, सौंसे लहसुन दऽ दियौ तऽ ओकर स्वाद मांसो से बेसी निक लगैत रहै छै। तऽ ओहिके लेल हम 4-5 लहसुन लेलहुँ हैं, और बान्है के मुँह बंद करै के लेल हम अतः गहूँम के आटा सानि के लेने छी। तेल 200 ग्राम लेलहुँ हैं सरसों के, जकरा हम कनी गरमा लेलहुँ, ओकर झाँस जे होइ छै तऽ से हटि गेल छै, तऽ गरमा कऽ तेल के एहिमे प्रयोग करबाक रहै छै। पहिने मांस के पानि निकालि लेलहुँ हैं, आब एकरा खूब बढ़िआँ सँ सानि लेबै, सब मसाला सब दे कऽ एहिमे सननाइ छै। तऽ पहिले जे घसल प्याज के हम घसि कऽ लेने छी, 5 प्याज मीडियम साइज के लेने छलहुँ हैं, जकरा घसि लेने छलहुँ। ई कुटलहा वाला लहसुन, आदि आ मिर्चाइ, हरियर मिर्चाइ, 4-5 हरियर मिर्चाइ देलिए, 1 आदि आर 2 लहसुन के हम थकुचि के देलिए, आ 4 लहसुन हम ओहिना देबै सौंसे। अतः कुटलहा वाला मसाला जे छलै से 2 चम्मच दऽ देलिए। एहिमे सब मसाला देने छियै, गरम मसाला जते होइए सब, तेजपात सबटा देने छियै, रंग आबै खातिर, किए तऽ एहिमे करू के मात्रा कम होइ छै। तऽ हम लाल मिर्चाइ देलहुँ हैं, हरदि देने छी, मिर्चाइ, नून, अहाँ अपन आवश्यकता हिसाबसँ, या बेसी खाइत हैब तऽ अहाँ नून मिर्चाइ दऽ सकै छियै। ई हम अपन हिसाबसँ मिर्चाइ एहिमे देलहुँ हैं, किए तऽ बहुत गोटे मिर्चाइ बेसी खाइ छथिन मांसमे, नून बेसी खाइ छथिन, हम अपन हिसाबसँ दऽ रहल छी। एहिमे हम 1.5 चम्मच नून धऽ देलहुँ हैं एखन। एकरा देलाके बादमे जे गरम कऽ कऽ तेल राखने छियै से आधा तेल एहिमे दऽ कऽ एकरा मिलेबाक छै। ई तेलके हम पूरा जरेने नहि छी, खाली झाँस से निकलि जाइ छै, जे काँच झाँस होइ छै तेलके ओ निकलि जाए, ओहिके लेल गरम कयल गेल छलै, आ गरम कऽ कऽ ओकरा ठण्डा कयल गेल छलै। आब एकरा बढ़िआँसँ सानि लेबै, अहाँके प्रॉब्लम हुए तऽ अहाँ ग्लव्स पहिन सकै छी, पंजा पहिर कऽ प्लास्टिकवला, ओहूसँ सानि सकै छी। हम हाथेसँ सानि रहल छी, हाथ खूब बढ़िआँसँ हम धोने छलहुँ हैं, किए तऽ अपनासभ घरमे काज करै छियै तऽ हमेशा जे छै पानिमे डुबले रहै छियै हाथ, लेकिन खास कऽ कऽ जे छै से अगर बाहरमे ईसभ बनायल जाइ छै तऽ हाथमे ग्लव्स पहिन कऽ एकरा सानल जाइ छै। तऽ मांसके खूब बढ़िआँसँ जब हम सानि रहल छी तऽ ओकरा हम दम लगा रहल छी, यानी कि मुट्ठी लऽ कऽ छी, ओकरा दाबि रहल छियै, जेकि मसाला खूब मुलायम भऽ जाए, मांसमे मिल जाए, मांस आर मसाला खूब एक रङ्गसँ मिल जाए। करीबन हम 2-3 मिनट एकरा खूब बढ़िआँसँ मिलेबै। अपना सबके जखन हांडी एना कऽ कऽ कुकरमे बना सकै छियै, आ जेना एकटा एखन माटिके बर्तनमे बना रहल छी तऽ ओहिपर अपना सबके ध्यान ई देबाक रहै छै कि जे मांस देलिए तऽ कोन तरहसँ मांस लऽ रहल छियै। मने बेसी जुआयल खसीके मांस तऽ बहुत टाइम लागि जायत, तऽ मांसोपर बहुत फर्क पड़त सिद्ध होइके। तऽ अतः हम माटिके जे बर्तन लेने छी
ओ बर्तन में हम पहले जे तेल बाकी है 100 ग्राम से ऊपर तेल बाकी है ओ तेल ऐ में हम दो दिलिए और तेल के पूरा हिला कर चारों तरफ फैलेना है, चारों तरफ खूब बढ़िया से फैल जाए, ओहि तरह से एक फैलेबाक है। ऐ में जते मांस साइन के रखने छी से में धो दै छी। एकरा पक्कू मांस सेहो कहल जाइ छै। पक्कू माने सब किछु एके में दऽ कऽ मुँह बंद कऽ कऽ बनायल जाइ छै, यानी कि दम दऽ कऽ जे बनायल जाइ छै एकरा पक्कू मांस सेहो कहल जाइ छै। एना कऽ हम सबटा एहिमे धऽ देलियै। ऊपरसँ हम किछु तैर कऽ जे रखने छियै एकरा खूब बढ़िआँसँ पहिले मिला लेबै आओर एहिमे आधा गिलास पानि सेहो देबै। लहसुन दऽ देलहुँ हँ, ऊपरसँ तरलहावला प्याज जे छलै से दऽ देलियै आओर आधा गिलास हम पानि देने छियै। एहिमे पानिसँ की हेतै कि ई एकटा मांस प्याज ई सब पानि छोड़बे करत आ तेल रहबे करतै, लेकिन पानि जे छै कनि सपोर्ट करतै, जरऽ नहि देत, भऽ सकै छै नीचा लागि जाए। ओहि हिसाबसँ जे छै से हम ओहिमे पानि देलियै आधा गिलास। एकरा मुँह बन्द कऽ देबाक छै बढ़िआँसँ, मुँह केना कऽ राखि कऽ आटा जे सानि कऽ रखने छियै खूब बढ़िआँसँ साटि देबै। एहिसँ की हेतै, दम हेतै आओर भीतरमे जे छै से उएह दमसँ बढ़िआँसँ मांस सिध हैत, मसालासँ खूब बढ़िआँसँ सिध हैत आओर सुअदगर लागत। करीबन मीडियम आँचपर 45 लऽ कऽ 1 घंटा तक एकर अपना सबके पकेबाक छै, लेकिन बीचमे अपना सबके चेक सेहो करबाक छै। जेनाकि एखन हम चढ़ेलहुँ हँ तऽ हमरा 20-25 मिनट भेल आओर हम महसूस केलियै कि भीतरमे खदकि रहल छै, यानी अपना सबके ई महसूस करबाक छै, कान लऽ कऽ ध्यान दऽ कऽ देखबाक छै कि ओ खदकि रहल यऽ खदकि रहल यऽ, यानी कि कहीं जड़ि तऽ नहि गेल, इहो चीजके ध्यान राखऽ पड़त। ताहिके लेल की छै, अपना सब एकरा खोलि कऽ नहि चलै, एकरा उठा लेबै आ मोट कपड़ा सब पकड़ि कऽ खूब बढ़िआँसँ ऊपर नीचा हिलेबै जाहिसँ ओ मिल जाय। कात कातसँ कनि धुआँ निकलैत रहै छै तऽ ओ सुगन्धसँ अहाँके पता चलि जायत कि मांस खूब बढ़िआँ बनि रहल अछि। तऽ अतः हम 40 मिनटके बाद हम एकरा खोलि रहल छी। यदि अहाँके किछु शंका बुझाय कि नहि खदकि रहल यऽ तऽ अहाँ बीचमे खोलि कऽ देख सकै छियै, पानिके कमी बुझाय तऽ अहाँ दऽ सकै, लेकिन हम 40 मिनटके बादमे खोलहुँ हँ तऽ खूब बढ़िआँसँ ई हमर खोलि रहल यऽ। आओर खोललाके बादमे चलेलाके बाद जब हम खूब ओकरा लारलियै यऽ तऽ लारलाके बादमे हमर मांस खूब बढ़िआँ बनि गेल अछि, मसालासब खूब बढ़िआँ सब मिल गेल अछि। एकरा हम उठा कऽ एकटा देखऽ पड़तै, एकरा बढ़िआँसँ एक बेर उठा कऽ देखऽ पड़तै जे सिद्ध भेल छै कि नहि भेल छै, किएक तऽ मसालासब खूब बढ़िआँ, तेल जे छै खूब रङ्ग बड़ सुन्दर आबि रहल यऽ, देखहोमे बहुत नीक लागि रहल छै एखन। आ लहसुन जे छलै सेहो बढ़िआँसँ गलल बुझा रहल यऽ। तऽ हम एकटा उठा कऽ पीस देखैके कोशिश करै छी, एहि दुआरे कि एतेक ई आँचेपर एखन चढ़ेने छी मीडियम आँचपर, ताहि दुआरे जे हमरा कनि गरम लागि रहल यऽ, लेकिन एकरा एकटा हम उठा कऽ अहाँ सबके देखाबै छी कि सिद्ध भेल अछि कि नहि भेल अछि। मोटा मोटी खूब बढ़िआँ सिद्ध भऽ गेल अछि। आब एकरा हम की करबै, यदि अहाँके पानि नहि चाही, झोर नहि लेबै, सूखे राखबै तऽ एकरा अहिना छोड़ि देबै, कम एहिसँ आर कम आँच कऽ देबै आओर एकरा आर 10 मिनट पका लेबै, कनि चले लड़िते। लेकिन जेनाकि रस कनि चाही, मांसमे रस नीक लगै छै अपना सबके चूड़ा सङ्गे भात सङ्गे खाइमे, तऽ हम एहिमे हम 1.5 गिलास पानि देबै आओर एकरा हम 15-20 मिनट आर छोड़ि देबै आओर चलै लड़िते रहबै खूब बढ़िआँसँ। 15-20 मिनटमे हमर मांस खूब बढ़िआँ पानि देलाके बादमे झोड़गर मांस, नहि बेसी झोड़गरे यऽ आ न बेसी सूखे यऽ, खूब बढ़िआँ मांस बनिकऽ मटन हांडी बनिकऽ हमर तैयार भऽ गेल अछि। ई मांस बनाबैके लेल खास कऽ कऽ यदि माटिके बर्तन बना रहल छी तऽ माटिके चूल्हाके प्रयोग करब, एक रङ्ग आँचके हम मांस निकालिकऽ अहाँ सबके देखा रहल छी, खूब बढ़िआँ मांस हमर बनि गेल अछि। आओर एकरा कनि कनि माटिके सुगन्ध कनि कनि अहाँके जरूर आयत, किएक तऽ माटिके बर्तनमे एकटा अलग टाइपके सुगन्ध अबैत रहै छै। तऽ मांस बनिकऽ हमर तैयार भऽ गेल अछि, आब ई मांस हमरा चूड़ा सङ्गे भात सङ्गे खाय लए तैयार अछि। अहूँसब एहि तरहसँ बनाउ, हमरा उम्मीद अछि अहाँ सबके नीक लागल हैत। यदि नीक लागल तऽ ई वीडियोके बेसी शेयर करब से अहाँ सबके आग्रह अछि, किएक तऽ अहाँ सब वीडियो सब शेयर नहि करै छियै। वीडियोके शेयर अवश्य करू आओर केहन लागल से अपन प्रतिक्रिया हमरा कमेंट कऽ कऽ अवश्य कहू। आओर साथे ई जतयसँ देख रहल छी, यूट्यूब चैनलसँ देख रहल छी या फेसबुक पेजसँ देख रहल छी, तऽ पेजके लाइक करनाइ आओर फॉलो करनाइ नहि बिसरब, आओर साथे यूट्यूब चैनल मिथिला किचनके सब्सक्राइब करना नहि बिसरब। अहाँ सबके कोटि कोटि धन्यवाद। जय मिथिला।